अब देखो, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत गजब की, हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज़्यादा बचा सकती है, ठीक, और भी कई सारी SHM की, फेज़ की, इनकी फीलिंग दिला सकती है, उसे हम कहते हैं फेज़र डायग्राम। बहुत गजब की चीज़ है ये, SHM में, वेव्स में, वेव ऑप्टिक्स में, अल्टरनेटिंग करंट में, इससे हमें बहुत बहुत फ़ायदा होता है, बहुत सारी मैथमेटिक्स हमें बहुत आसानी से दिखने लगती है। देखो, चांस की बात है कि अगर हम एक पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराएं, देखो समझें बात को, ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन है, हमें फेजर डायग्राम से फ़ायदा क्या होगा, सुनो बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और तीसरी इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हमें ओमेगा दिया हो, टी दिया हो, फाई दिया हो, तब तो ये तीनों इक्वेशन बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक क्वांटिटी पूछी हो तो हमें साइन कॉस को इधर ले जाना पड़ेगा, और जब इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो हमें दिक्कत होगी। तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से हम बच जाएँ, उसके लिए हमारे पास एक बहुत गजब का तरीका है जिसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। और भी बहुत गजब की यूटिलिटी है हमारे ऊपर, हम कितना इसको अप्लाई करते हैं, पर पता नहीं क्यों बुक्स में इसका एप्लीकेशन बहुत कम दिया होता है, जबकि बहुत गजब की चीज़ है। तो अब सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, अभी बनाना मत, पहले समझ लो, समझने के बाद पॉज करके आराम से बना लेना, ठीक है ना, समझें फेजर डायग्राम को। ऐसा एक सर्कल हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर ये इसका सेंटर है और ये हमने इसके रेफरेंस लाइन बनाई, और यहाँ पर हमने बना दी एक दीवार। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इधर से कुछ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कराया जा रहा है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जब यहाँ पर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो जब इस पार्ट जब ये सर्कल में कोई पार्टिकल घूमेगा तो उसकी शेडो यहाँ पर बनेगी। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम जिस भी पार्टिकल को घुमाएंगे उसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं, ठीक है, दो कन्वेंशन है, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, हम एंटी क्लॉकवाइज वाला कन्वेंशन ले रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा सर्कल को मैं सही कर देता हूँ, मुझे थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि उससे फिर हमें थोड़ा अच्छे से फील नहीं आएगी, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन, ठीक है, और रेफरेंस लाइन के बाद t इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर कहीं पार्टिकल है, ये t इज इक्वल टू जीरो, ये जो एंगल है ये है सपोज phi, ठीक है, तो ये phi है, अब ये phi के बाद ये घूम रहा है ऐसे ओमेगा से, ठीक है, तो ओमेगा से घूम रहा है, तो किसी टाइम टी पर ये यहां होगा, कितना घूम चुका होगा, ओमेगा टी। अब मैं ऐसा कह सकता हूं, जब ये ऐसे घूमेगा, देखो समझो इसको, ये यहां पर है मेन पोजीशन पर, है ना, सर्कल में सपोज यहां पर है, तो इसकी शेडो यहां बनेगी, ऊपर जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरह से ये सर्कल में चलता रहेगा और ये इधर ऑसिलेट करता रहेगा,
पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, उसकी शेडो ऑसिलेट कर रही है, समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, इस तरह से। अब ये शेडो SHM ही करेगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया इससे, देखो सबसे पहले तो इसका जो हमने रेडियस लिया है वो लिया है ए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ज़ीरो प्लस ए और माइनस ए। अब इस पॉइंट पर जब पार्टिकल होगा तो उसकी शेडो यहाँ बनेगी, पार्टिकल यहाँ पर है, इसकी शेडो यहाँ पर है। मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि शेडो मेन पोजीशन से इतना दूर होगी। ये जो रेड वाला वेक्टर बना है, देखो ये तो ऐसा था, है ना, उसका जो प्रोजेक्शन लेंगे पार्टिकल का तो यहाँ मिलेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये एंगल पूरा अगर देखूँ मैं तो ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये जो साइड है ये कितनी होगी, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो x तो हमारा SHM जैसा दिख रहा है हमको, है ना, तो x SHM जैसा दिख रहा है। v की बात करें, v कैसा दिखेगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, कितनी होती है जब सर्कल में घूमता है तो, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो ए ओमेगा। अब इस वेलोसिटी का प्रोजेक्शन लें ऐसा, ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वी का जो प्रोजेक्शन आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वी आ गया, वी भी SHM जैसा आ गया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखें इसका एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा, टेंजेंशियल तो होगा नहीं। कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव में है ये एंगल तो हमें पता नहीं है, हमें तो ये पता है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये वाला जो साइड है वो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा और नेगेटिव भी होगा, तो इसका जो ए वैक्टर है वो डाउनवर्ड होगा, है ना, टुवार्ड्स मीन पोजिशन होगा। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आ गया, मतलब हमें ऑसिलेशन तो दिख ही रहा था, ऑसिलेशन के साथ साथ हमको ये भी दिख गया कि जो एक्स का प्रोजेक्शन, वी का प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन का प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल SHM जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराया जाए तो उसकी जो शेडो किसी सरफेस पर ली जाएगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब इस मैथमेटिक्स का हम, इस मैथमेटिकल रिलेशन का हम काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझें कि हमें कहीं SHM कराना है तो सर्कुलर मोशन कराना ज़रूरी है, नहीं, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि हमने एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराया और उसकी शेडो इस तरह से SHM कर रही है, आया समझ में? अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ जो पार्टिकल SHM करता है या जो पॉइंट यहाँ SHM करता है उसका ना तो वेलोसिटी फिक्स है ना उसका एक्सेलरेशन फिक्स है, दोनों वेरिएबल हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमें पता करना हो कि ज़ीरो से प्लस ए जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से ज़ीरो से प्लस ए जाने का जो टाइम है वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब ज़ीरो पर होगा तो यहाँ होगा और जब ए पर होगा तो यहाँ होगा, मतलब जब यहाँ पर ज़ीरो से ए पर ले जाएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, 90 डिग्री घूमा है ऐसे, कॉन्स्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, देखो ओमेगा से घुमाया ना हमने, तो ओमेगा इसके लिए तो एंगुलर वेलोसिटी है
और उसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड टी बाय फोर होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने का टी बाय फोर, फिर वहाँ से वापस यहाँ आने का मतलब यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मैं ऐसे ले गया टी बाय फोर, फिर टी बाय फोर, फिर टी बाय फोर, फिर टी बाय फोर, तो मैंने कहा था कि मैं इसको प्रूव करूँगा, ठीक है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो अभी यहाँ पर बड़े आसानी से 0 से ए 90 डिग्री टी बाय फोर, ए से 0 90 डिग्री टी बाय फोर, 0 से माइनस ए 90 डिग्री टी बाय फोर, फिर माइनस ए से 0 90 डिग्री टी बाय फोर, तो हर 90 डिग्री के लिए टी बाय फोर टाइम लगेगा, आया समझ में? तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई, है ना, बड़े आसानी से कैलकुलेट हो गया, और वैसे कैलकुलेट करना होता तो हमें बड़ी मुश्किल होती। अच्छा, अब इसमें हम कुछ बातें लिख रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उनको ध्यान से समझें, तो या पहले इसको नोट कर लो फिर हम और इसमें आगे बात करेंगे। अब देखो, हम कुछ रिलेशंस लिख रहे हैं इसमें और इसमें, सर्कुलर मोशन और SHM, ठीक है। अब सर्कुलर कोई, हमें तो SHM सॉल्व करना है, तो उस SHM के लिए हमें कोई सर्कल बनाना पड़ेगा, फेजर बनाना पड़ेगा, तो सर्कल बनाना पड़ेगा। तो देखो, फेजर किसको कहते हैं? फेजर तो इसको कहते हैं, ये है फेजर, ये है फेजर, ठीक है, लेकिन वो फेजर जब घूमेगा तो एक सर्कल बन जाएगा, तो असल में फेजर तो इसका नाम है, ये सर्कल का नाम फेजर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो सर्कुलर मोशन हम बनाएंगे वो कैसा होगा? तो जो सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा वो यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो ए एम्पलीट्यूड का SHM हमको सॉल्व करना है, तो हम ए रेडियस का सर्कल बनाएंगे, फिर फाई इनिशियल एंगल, यहां पर फाई क्या होगा? इनिशियल फेज होगा, इनिशियल फेज, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है? ओमेगा, ओमेगा इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी, और इसके लिए वही ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब और क्या बचा? घुमाना कैसे? हमेशा हम कैसे घुमाएंगे? हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला भी एक कन्वेंशन होता है, हम तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसके बाद इसके वेलोसिटी का प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, वो आ जाएगा एक्स टी रिलेशन, ठीक है, इसके आर का प्रोजेक्शन इसका एक्स टी रिलेशन होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर, वी टी रिलेशन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए टी रिलेशन, ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो SHM को और सर्कुलर मोशन को रिलेट करती हैं। चांस की बात है कि मैथमेटिकल रिलेशन ऐसा बन रहा है और उसका हम फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। घुमाना कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा। इसमें एक बात और का हमें ध्यान रखना है कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराया तो उसकी शेडो SHM नहीं होगी। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। क्या फ़ायदा है? जैसे मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ
एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स, इसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। अब इसका ग्राफ बनाऊंगा कैसे, ठीक है? तो एक तरीका तो होता है कि किसी को तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है कोऑर्डिनेट शिफ्ट करना, इधर कर दो या इधर कर दो। तो वो जो कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग है उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो फेजर डायग्राम से हमें सोचना नहीं पड़ेगा किधर शिफ्ट करें, हमें दिखाई देगा किधर शिफ्ट करें। देखो पाई बाय सिक्स का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री, ठीक है? अब मैं एक्स टी ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो एक्स टी ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है? और ये हो गया रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पर मैंने बनाना चाहता हूँ ग्राफ x वर्सेस t, ठीक है? अगर देखा जाए मुझे ये तो पता है कि ग्राफ तो साइनोसॉइडल ही होगा, ठीक है ना? बस मुझे ये जानना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से वो जाएगा कहाँ पर, अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर मुझे मिल जाए तो उसके बाद ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, 30 डिग्री पर है। टी की वैल्यू जीरो रखो, 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री से स्टार्ट होगा ये 30 डिग्री, मतलब ये टी इज इक्वल टू जीरो पर। तो टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ होगा, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। सर्कल में 30 डिग्री पर बनाया और इसमें यहाँ बन जाएगी उसकी शेडो। अब इसको हमें घुमाना कैसे है, ऐसे घुमाना है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, वेलोसिटी इस तरफ होगी, जब ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो इसमें ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये एक्स टी ग्राफ बन गया। कितना सिंपल है। वी टी ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, तो ये वी, और फिर से यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, उसकी रेफरेंस लाइन बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिख रहा है ना हमको, हमें सोचना नहीं पड़ रहा है ना कि क्या होगा, हमें दिखाई दे रहा है कि वहीं से स्टार्ट होगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसमें हमने बनाया है। अब ऐसा हो गया। अभी थोड़े देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो वेलोसिटी का फेजर है, वेलोसिटी है वो लीड करती है 90 डिग्री से या टी बाय फोर से। तो ये एक्स का फेजर है और ये वी का फेजर है। तो वी के लिए यहां से स्टार्ट होगा, जाना कैसे, इसको जाना इधर की तरफ है, ऐसे घूमना है, ठीक है? ऐसे घूमना है तो डाउनवर्ड जा रहा है, तो जो फेजर होगा वो ऐसा होगा, ये वेलोसिटी का फेजर बन गया और वेलोसिटी के फेजर से ही मतलब ग्राफ बन गया। अब मैं चाहता हूँ एक्सेलरेशन का ग्राफ, तो ये ए, फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है? सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से ये एक्सिस, फिर ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। एक्सेलरेशन कहाँ होता है, एक्सेलरेशन का फेजर वेलोसिटी से 90 डिग्री, एक्स का फेजर, ठीक है, एक्स से वी का फेजर 90 डिग्री पर, और वी से ए का फेजर 90 डिग्री पर, ऐसा इधर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो ये पूरे ग्राफ बन गए। अब मुझे तो ये तरीका काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमें दिखाई दे रहा है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है और उसको नीचे ले जाना है कि ऊपर ले जाना, उसके बाद तो साइनोसॉइडल ही बनना है। और वैसे अगर हम सोचते दूसरा तरीका है कोऑर्डिनेट शिफ्ट करें, तो कोऑर्डिनेट शिफ्ट करने से ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे ये लगता है।